कोई वित्तीय स्वीकृतियां नहीं थी और 31% जमीन पे ठीक नहीं, ये बात आ चुकी है, पहले भी आ चुकी है, रख दी। समझ गया, मैं समझ गया। सैफ अली नकवी जी, देखिये जनता 5 सालों के लिए सरकार चुनती है, भारत के लोकतांत्रिक ढांचे का यही नियम है जी। 5 साल के बाद अगर जनता ने किसी और की सरकार चुन दी, इतना बड़ा जो एक्सप्रेसवे है वो इतनी जल्दी बन भी नहीं पाता है, संभव है कि पूरा न हुआ हो, अधूरा काम रह जाए। 5 साल बाद जो नई सरकार आएगी तो क्या फिर नए सिरे से शिलान्यास होगा? क्या हो रहा है सर? देखिए, धरातल के ऊपर भाजपा की प्रदेश और भाजपा की केंद्र सरकार शून्य है। इनको दिखाने के लिए तो यकीन जानिए इस समय भाजपा जो है सिर्फ माइक माला और मंच की पार्टी बन के रह गई है। इनके बड़े मंच होते हैं, बड़े माइक होते हैं, बंदी है। जब जहां तक बात आती है इस एक्सप्रेसवे के शिलान्यास की, ये तो देश और प्रदेश की जनता भी जानती है, शिलान्यास हो चुका है, पर जिस तरीके से भूमि अधिग्रहण कानून का गलत इस्तेमाल इसमें किया गया है, जिस तरीके से इनको 16 महीने लग गए दोबारा से इसका स्वरूप बदलने के लिए, हमारे भाजपा के प्रवक्ता ये बिल्कुल नहीं बता रहे हैं कि जानी थी कहीं तक और उसको रोक लिया, जानी थी बलिया तक रोक लिया, गाजीपुर तक, और फिर क्या हमने पैसे बचा लिए? यकीन जानिए इस पे जांच होनी चाहिए है, और इस जांच के बाद में चाहे भाजपा का हो चाहे कोई अधिकारी हो, इसके ऊपर सख्ती से, इसके ऊपर ये जांच का विषय है, इनको इस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को अवगत करना चाहिए। जाने देना चाहिए बलिया के लोगों का क्या कुछ, बलिया तक जाने देना चाहिए था ना श्रीवास्तव जी, क्यों रोक दिया बताइए। अब ये जब कांग्रेस चुकी, देखिए असित जी, नहीं नहीं जवाब दीजिए, इसका सवाल जो उठाया उसका जवाब दीजिए। कांग्रेस चुकी क्या? उन्होंने कहा भाई जाना था बलिया तक, गाजीपुर तक रोक दिया, क्यों रोक दिया बताइए। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि चूंकि कांग्रेस शून्य की तरफ बढ़ गई है, नहीं ये इसका जवाब नहीं है सर। नहीं नहीं, अगर उसको बलिया तक जाना था तो गाजीपुर नहीं। आप मुझे बताइए कि कांग्रेस ये कहती कि भाजपा का कार्य शून्य है, तो मैं उसका जवाब तो दूंगा सर, ना? नहीं, उन्होंने सवाल उठाया ना कि जाना था बलिया की तरफ बढ़ गई, इसलिए इनको सब शून्य ही शून्य नजर आ रहा। उन्होंने कहा जाना था बलिया तक, गाजीपुर रोका गया, क्यों? और जो लिंक मार्ग बन रहा गोरखपुर के लिए, ठीक है, लिंक एक्सप्रेस वे बन रहा गोरखपुर के लिए, तो वो भी तो जोड़ेगा लोगों शहरों को। नहीं, बलिया को जोड़ने में क्या तकलीफ थी? हमने कहा कि जो परियोजना बनी वो टेक्निकली जो वेरीफाई हुई, उसको वो परियोजना बनी, और उस परियोजना पे जब गोरखपुर लिंक मार्ग हम बना रहे हैं, प्रयाग लिंक मार्ग बना रहे हैं, तो उस लिंक मार्ग पे जो शहर आएंगे वो उस लिंक एक्सप्रेस वे पे जुड़ेंगे। चलिए बलिया को लेकर कहना कि बलिया तक जाने से गाजीपुर ने रोक लिया, बलिया को लेकर एक ऐतिहासिक तथ्य शेयर कर रहा हूं सर, बताइए हमारे लिए जानना चाहिए सबको। नहीं, 1857 में सर, 1857 में तमाम अंग्रेज अफसर बलिया छोड़ के भाग गए थे। वीर कुंवर सिंह ने जब अंग्रेजों से लोहा लिया तो बड़ी तादाद में अंग्रेज सिपाही और अधिकारियों को उन्होंने कैद किया आरा भवन में, और जो बचे कुचे थे वो भाग गए थे 8 दिनों तक। बाद में सेना आई तब बलिया पर फिर अंग्रेजों का कब्जा हुआ, और अंग्रेजों ने उसे बागी बलिया लिखा है। तो बलिया तो हमारे लिए ऐतिहासिक है, बलिया तक सड़क जारी चाहिए थी, बताइए चंद्रशेखर जी समाजवादी नेता वहीं के, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के विधायक जी को ये बात बड़ी खराब लग जाएगी कि चंद्रशेखर जी के इलाके में आपने सड़क नहीं जाने दी। नहीं असित जी, बलिया से तो जा ही रहा है गोरखपुर, इस एक्सप्रेस वे को हम गोरखपुर ले जा रहे हैं, हम इस एक्सप्रेस वे को प्रयाग ले जा रहे हैं, हम इस एक्सप्रेस वे को बुंदेलखंड ले जा रहे हैं, तो आप उसके उस परियोजना को पूरी तरह से इन टोटलिटी में तो देखिएगा कि आधे टुकड़े टुकड़े में बांट करके उसकी विवेचना कीजिए। ठीक है, राज्यपाल कश्यप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। असित जी, इनसे पूछ लीजिए, उत्तर प्रदेश के अलावा जो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो रोड मैप तैयार किया पूरे प्रदेश का, उसके अलावा जहां भी इनकी सरकारें हैं, कहीं 100 किलोमीटर का भी एक्सप्रेस वे बना पाए हो तो बताओ। सर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बताएं, देश के प्रधानमंत्री बताएं, देश के प्रधानमंत्री बताएं, पूर्वांचल बनारस से आते हैं और स्वच्छता अभियान उनका मिशन है, कितने करोड़ अरबों रुपए खर्च हो चुका, कहीं बनारस में एक डिब्बा भी लगा हो स्वच्छता मिशन के नाम बात नहीं कर रहा हूँ, बनारस की साफ हो गई हो तो बताओ। गंगा की कसम खा के आए थे,
गंगा की कसम खा के आए थे और गंगा माँ ने बुलाया था, एक किलोमीटर गंगा भी साफ की हो तो बताओ। नहीं कर रहा था, किसी दिन काम बना रहा था। नहीं अच्छा विषय है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, होती भी रही है। बना रहे थे बनारस में, लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेस की चर्चा कर लेना, उस पर फिर कभी कर लेंगे। चर्चा होनी चाहिए, उस पर भी होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में ही 100 किलोमीटर सड़क बना के दिखाई हो तो बताओ। जो कुछ बना है वो माननीय अखिलेश यादव जी ने बना खड़ा किया, उसी के ये सौभाग्यशाली है कि माननीय अखिलेश यादव जैसा मुख्यमंत्री था पिछली, जो फीता काटने को प्रधानमंत्री को भी मिल जा रहा है। नहीं तो ये कुछ नहीं था, एक एम्स नहीं बना पाए। ये करे जमीन नहीं उकायर थी, 100% जमीन उकायर करके नहीं, क्या एक भी कमरा बना? ये फैक्ट है, ये फैक्ट है कि आधे 50% से भी कम जमीन का अधिग्रहण हो पाया था और तब अखिलेश जी ने शिलान्यास किया था। ये फैक्ट है, इसको मत झूठला। आशीष जी 100% जमीन उकायर करके एम्स के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने दे दी थी। क्या एक भी कमरा बना पाए? एम्स पर चर्चा कर लेंगे। 1000 करोड़ रुपए का बजट, जब जमीन अखबार हो गया तो अस्पताल का बनना जरूरी है भाई, बनना चाहिए। लेकिन आज एक्सप्रेस में चर्चा कर दिया था आज। हाँ सर, कुछ कहना चाह रहे हैं बताइए। सैफ अली नकवी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आशीष जी, मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ। मैं अपनी बात कर आता हूँ श्रीवास्तव जी, कहना चाह रहा हूँ। मैं इनको कहना चाहता हूँ कि राज नहीं, आप एक अच्छे अपने प्रशासन पे ध्यान दीजिए। ये नूरा कुश्ती जो आपकी सरकार में चल रही है इसको खत्म करिए। जहां तक बलिया के इतिहास की बात है तो इतिहास तो हम भाजपा से पूछ ही नहीं सकते, जो आजादी की लड़ाई तक में शामिल नहीं थे उनसे हम कैसे पूछ सकते हैं जो ऐतिहासिक चीज को जाने। हम ये कहना चाहते हैं